गुड मॉर्निंग आदाब। क्लास 9 का केमिस्ट्री जो चैप्टर आपका स्टार्ट किया गया था, इसमें हम आपको सहजता विनिमय विधि द्वारा सूत्र निकालना वहाँ तक बताए थे। आज हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं मोल का, मोल संकल्प। ठीक, 9 क्लास के बच्चे उनको ध्यान से इस टॉपिक को देखेंगे, उनको आगे भी इसकी जरूरत है। क्लास 11 में डिटेल में इसको आप जानेंगे। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोल क्या होती है, अवोगाद्रो संख्या क्या होता है, मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, अणुओं या परमाणुओं की संख्या, तो इस टॉपिक में ये सब बातें रिलेटिव में आपको बताई जाएगी। तो ध्यान दीजिए कि मोल किसे कहेंगे, तो आप लिखेंगे ग्राम अणुओं की संख्या, किसी यौगिक के ग्राम अणुओं की संख्या को उसका मोल कहते हैं। यानी कि ग्राम अणुओं की संख्या, जैसे देखो हमने क्या कहा मोल में, ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या को मोल कहते हैं। इतनी ध्यान दीजिए, ग्राम अणुओं की संख्या को मोल कहते हैं। जैसे देखो अगर हमने कहा कि H2O के मोल, H2O में कितने मोल होंगे, तो इसमें ग्राम अणुओं की संख्या, ग्राम अणुओं की संख्या, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो। एक हाइड्रोजन का एक होता है, दो हाइड्रोजन है तो में एक प्लस एक ऑक्सीजन का 16 यानी कि 18 ग्राम। ठीक, तो वाटर का भार कितना आया, वेट कितना आया 18 ग्राम, तो लिखेंगे 18 ग्राम H2O इक्वल टू, ये बराबर किसके हैं, एक मोल के। ठीक, यानी कि एक मोल वाटर में 18 ग्राम होंगे, तो ग्राम अणुओं की संख्या को उसका मोल कहते हैं। जैसे CO2 आया, तो CO2 का भार कितना होता है, CO2 के लिए क्या करेंगे, कार्बन का परमाणु भार 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो दो ऑक्सीजन का 2 × 16 32 और 12 कितना होगा 44 ग्राम। यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे, 44 ग्राम CO2 इक्वल टू क्या, एक मोल। एक मोल CO2 का मतलब 44 ग्राम, एक मोल H2O का मतलब 18 ग्राम। ठीक, ये तो आपकी मोल की बात है कि मोल किसे कहेंगे, यौगिक में ग्राम अणुओं की संख्या को मोल कहते हैं। ठीक, अब जैसे देखो मोलों की संख्या निकालना कैसे जाएगा, मोलों की संख्या इक्वल टू कैसे निकालेंगे, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को यल से डिनोट करते हैं, ये होता है भार बटे मोलर भार, यानी कि परमाणु भार। देखें अब भार इसका, जैसे मैंने कह दिया आपसे कि 12 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या होगी, 12 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या क्या होगी, तो इसी फार्मूले से लगाएंगे मोलों की संख्या, मोलों की संख्या स्मॉल एल इक्वल टू भार बटे मोलर भार। और भार कितना है आपका इसमें 12 ग्राम, ये हो जाएगा 12 बटे, और CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना भी निकाला गया था 44, 12 बटे 44, इसको सॉल्व कर लेंगे 0.27 इतना मोल आ जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए ग्राम अणुओं की संख्या को मोल कहते हैं, मोलों की संख्या बराबर होता है यौगिक का भार बटे उसका मोलर भार, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो आपका ये आपको निकल जाता है मोलों की संख्या। अब देखो क्या होती है अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या क्या होती है, अवोगाद्रो संख्या
इसको डिनोट करते हैं यान ए से। आओ बात दो संख्या किसे कहेंगे, एक मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या या एक मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को आओ बात दो संख्या कहते हैं। किसी यौगिक के एक मोल में उपस्थित अणुओं या परमाणुओं की संख्या को अवगात्रो संख्या कहेंगे। यौगिक का एक मोल इक्वल टू क्या होगा, उसका भार, एक मोल क्या होगा उसका ग्राम अणुभार, और ग्राम अणुभार में मोलों क्या कहते हैं अवगात्रो संख्या 6.022 × 10²³। तो एक मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या होती है 6.022 × 10²³। जैसे H2O का कितना भार आया था 18 ग्राम, 18 ग्राम H2O क्या होता है एक मोल H2O, और एक मोल में अणुओं की संख्या 6.022 × 10²³। ठीक, तो एक मोल में अणुओं की संख्या 6.022 × 10²³ होती है, इसी को अवगात्रो संख्या कहते हैं। ठीक, अब जैसे देखो बच्चों, सवाल आपका मान लीजिए यहाँ से आ जाए, कह दिया जाए कि मान लीजिए 12 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या तथा अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या तथा अणुओं की संख्या ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन आ गया। अगर मान लीजिए सपोज गए कह दिया कि CO2 12 ग्राम दिया गया है, अब इसमें इसके मोलों की संख्या और इसमें अणुओं की संख्या बताइए, तो क्या कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे मोलों की संख्या, मोलों की संख्या ब्रैकेट में स्मॉल n इक्वल टू क्या होगा भार बटे मोलर भार। अब आपका भार कितना दिया गया है सवाल में 12 ग्राम, और CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है 44, इसको डिवाइड करके 0.27 इतना मोल मिल गया आपको। अब लिखेंगे अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या चूंकि एक मोल में अणुओं की संख्या इतनी होती है, तो आपके 0.27 मोल में क्या होगा अणुओं की संख्या इक्वल टू n इंटू अवगाद्रो संख्या, ये फार्मूला होता है n इंटू अवगाद्रो संख्या। n कहां, जहां पर n क्या है आपका मोलों की संख्या, तो n आपका आया है 0.27 × 6.22 × 10²³। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे जो वैल्यू आपकी आ जाएगी उतना क्या हो जाएगा इसमें अणुओं की संख्या। ठीक, इसी तरीके से आप मोलों की संख्या और अणुओं की संख्या का परिकलन करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें आता है लिंगानुपाती सूत्र निकालना, किस तरीके से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बेहतर फार्मूला कैसे निकालेंगे, क्या करेगा, कौन सी ट्रिक है। तो जैसे देखो सूत्र क्या होता है, सूत्र यानी कि फार्मूला, फार्मूला किसे कहेंगे, यौगिक में परमाणु एक निश्चित संख्या में मिलकर अणुओं का निर्माण करते हैं, इन्हें व्यक्त करने के लिए जिस संकेत का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहते हैं फार्मूला, सूत्र। यौगिक में उपस्थित अणुओं की संख्या व्यक्त करने के लिए जिस संकेत का प्रयोग करते हैं उसे ही क्या कहते हैं फार्मूला कहते हैं, या होता है मूलानुपाती सूत्र, कई टाइप का मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र, संरचना सूत्र, और क्या होता है आपका विन्यास सूत्र, इतने टाइप की बात है। इंपेरिकल फार्मूला,
एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और आपका विन्यास कॉन्फिगरेशनल फार्मूला। ठीक, इस तरीके से चार हैं। तो देखो, एक हम एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चार तरीके का सूत्र आपको जानना है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब जैसे देखो, एक हम आपको एग्जांपल ले बताते हैं। से ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ठीक, ये क्या है, इसका अणुसूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इससे छोटा और सरल अनुपात क्या हो सकता है, 1:2:1, यानी कि क्या बनता है, CH2O। ये इसका हो गया मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। अब देखो, इसका ड्रा करेंगे क्या, इसमें संरचना सूत्र, संरचना सूत्र कैसे होगा, देखो CHO CHOH का 4 CH2OH, ये इसका कौन सा सूत्र हो गया, संरचना सूत्र। ठीक, ऐसे ही इसका विन्यास सूत्र कैसे दिखाएंगे, विन्यास सूत्र CHO ये देखो, ये है इसका विन्यास सूत्र, देख रहे हैं ना, ये है इसका विन्यास सूत्र। अब देखो सबकी डिफिनेशन क्या कैसे बन सकती है, अणुसूत्र क्या होगा, यौगिक में उपस्थित परमाणुओं को जिस संकेत द्वारा व्यक्त करेंगे वो उसका अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला। मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, परमाणुओं को जिस सरलतम अनुपात में व्यक्त किया जाए, सबसे सरलतम अनुपात में उपस्थित परमाणुओं को उसका मूलानुपाती सूत्र कहेंगे। जब क्रियात्मक समूह का पता चल जाए, संरचना सूत्र है इसका। और फिर यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणु उनसे जुड़े क्रियात्मक समूह तथा उनके मध्य बंधों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे, या बंधों की प्रकृति के विषय में जानकारी मिल जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, विन्यास सूत्र। ठीक, अब देखो आपके यहाँ इतना ही है। इसके बाद इस पे सवाल आता है कि कैसे हम मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे, कैसे क्या निकालना है आपको। ये नाम क्या है इसका, ग्लूकोज, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद तब हम बात करें इनके मूलानुपाती सूत्र किस तरीके से निकाले जाएंगे। तो आप लोग इसके बाद हेडिंग बनाइएगा, मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र की गणना। इसको स्क्रीनशॉट में लीजिए, उसको भी गा रहा है। देखो आप लोग, एक सवाल हम बता रहे हैं, न्यूमेरिकल है। एक यौगिक में हाइड्रोजन 4.07%, सवाल हम करिए, एक यौगिक में हाइड्रोजन कितना है, 4.07%, कार्बन 24.27%, कार्बन 24.27%, तथा क्लोरीन, नहीं सर, हाँ, तथा क्लोरीन 71.65, तथा क्लोरीन 71.65% है। कह रहा यदि इसका अणुभार
यदि इसका अणुभार, यदि इसका अणुभार कितना दिया है 98.96 हो तो मूलानुपाती सूत्र तथा अणुसूत्र हो तो मूलानुपाती सूत्र तथा अणुसूत्र मूलानुपाती सूत्र तथा अणुसूत्र की गणना कीजिए या करो। ठीक, ये आपका न्यूमेरिकल है। इसमें आपको दिया गया है सबकी वैल्यू, देखो हाइड्रोजन दिया है, कार्बन दिया है, क्लोरीन दिया है, अणुभार इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है। अब कह रहा है इसका मॉलिक्यूलर क्या कहते हैं मूलानुपाती सूत्र यानी एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको आपको निकालना है। तो आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका सोल्यूशन देखो कैसे निकलता है। सोल्यूशन इसका थोड़ा सा इजी है, आपको केवल दो तीन बातें याद रखनी है। जैसे एक कॉलम बनाइए, यहाँ लिखिए तत्व का नाम, एक कॉलम बनाइए, यहाँ लिखिए प्रतिशत, एक कॉलम बनाइए, यहाँ लिखिए परमाणु भार, फिर एक कॉलम बनाइए, यहाँ लिखिए प्रतिशत बटे परमाणु भार, फिर लास्ट वाला कॉलम बनाइए, वहां लिखिए सरल अनुपात। आप इस तरीके से ड्रा कर लीजिए। इसके बाद देखो एलिमेंट नेम में कौन कौन से एलिमेंट हैं आपके, हाइड्रोजन दिया है या कार्बन दिया, सीक्वेंस में कार्बन दिया, हाइड्रोजन दिया और क्लोरीन दिया। ठीक, अब कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन में सबकी परसेंटेज वैल्यू लिख दो, 24.27 हाइड्रोजन कितना है 4.07 और क्लोरीन कितना है 71.65। ठीक, परमाणु भार कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, प्रतिशतता बटे परमाणु भार 24.27/12, 4.07/1 और 71.65/35.5। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, लगभग कितना आ रहा है, ये लगभग 2.2 कुछ आएगा और यहाँ देखो ये आएगा 4.07, यहाँ देखो 12×9=24 के 12 2.22 ऐसे करके आएगा, यहाँ देखो ये भी लगभग 2.22 करके आएगा। ठीक, बराबर करके। अब सरल अनुपात में ये देखा जाता है कि जो तीनों वैल्यू आई है इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन है, ये दोनों इक्वल है चाहे जिसको ले ले, इन्हीं से बारी बारी तीनों में भाग कर दो, 2.22 / 2.22 ये लगभग कितना आ गया 1, यहाँ देखो 4.07/2.22 ये लगभग कितना आ रहा है, देखो 2 के आसपास आएगा। हम दशमलव के बाद नहीं लेंगे, दशमलव पहले वाली गिनती को कृपा करिए, 2.22/2.22 ये कितना आ रहा है 1। ठीक, अब देखो इस वैल्यू से आपको क्या मिला, C की संख्या 1 है, H की संख्या 2 है और Cl की संख्या 1 है, ये मिल रहा है आपको। देखो Cl 1 है, H 2 है और Cl भी 1 है, तो हम इसको ना लिखे, 1 कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको क्या मिला CH2Cl। ठीक, CH2Cl क्या है इसका मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, ये आपको मूलानुपाती सूत्र मिल गया CH2Cl।
अब देखो इसका मालिक उधर बैठ गया है सवाल, तो आप निकालेंगे मोलों की संख्या। मोलों की संख्या स्मॉल एन इक्वल टू क्या होता है, भार बटे मोलर भार, भार बटा मोलर भार, एन इक्वल टू क्या आएगा, भार इसमें कितना है, मूलानुपाती सूत्र भार, भार बटे मोलर भार, तो मोलर मूलानुपाती सूत्र भार कितना आएगा, एक कार्बन है 12, दो हाइड्रोजन है 14, 12 और 2 14, 14 और क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का परमाणु भार 35.5, तो ये आप जोड़िए 35.5 में हमको 14 जोड़ना है, 49.5 का बगार, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भार सूत्र भार क्या हुआ, 49.5 बटे मोलर भार कितना है इसका, 98.96। यही तो दिया है सवाल, एक बार फिर से देख लीजिए, भार इसका कितना दिया है 98, एक मिनट थोड़ा सा हम इसे हो गया 98.96 भार बटे सूत्र भार, सूत्र भार कितना आ रहा है 49.5, ये 98.96 और बटे 49.5, ये इसको अब आप डिवाइड करिए, डिवाइड करिए 49 गुना 98, ये लगभग वैल्यू आएगी किसके, अप्रॉक्सीमेटली किसके आएगी, देखो अप्रॉक्सीमेटली 2 आ रहा है, ये इसमें मोलों की संख्या लगभग 2 आएगी, तो मोलों संख्या 2 आई, तो मूलानुपाती सूत्र तो हमको मिल गया, अब निकालना क्या है अणु सूत्र, तो अणु सूत्र बराबर n गुणे मोलों की संख्या गुणे मूलानुपाती सूत्र, मोलों की संख्या गुणे मूलानुपाती सूत्र, तो मोलों की संख्या कितनी है 2, मूलानुपाती सूत्र आपका कितना है CH2Cl, 2 × CH2Cl, अब इसी को 2 से डिवाइड गुणा कर दो, देखो कितना आएगा C2H 2 × 2 4 और Cl है तो Cl2 C2H4 Cl2, ये मिल गया आपको, ये आपका मिल गया क्या अणु सूत्र हो गया। अब जैसे अगर इसी के आगे पूछा होता इसका संरचना सूत्र बनाइए, तो C2H4Cl2 है तो हम ऐसे ड्रा करते, देखो C2H4Cl2, ये C2H4Cl2 ये बन जाता, नहीं तो आपसे केवल ये पूछा है मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र, तो मूलानुपाती सूत्र हम कैसे निकालेंगे इस टेबल से, जब आपका मूलानुपाती सूत्र मिल जाए तब मोलों की संख्या निकाल लो, भार भार किसका है, ये जो मोलर भार ऊपर दिया है अणु सूत्र अणु भार दिया है, अणु भार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, ऐसे कर लीजिए, तो यहाँ वाली की अगर आपको दिक्कत है तो यहाँ लिख देंगे मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र भार कितना आता है आपका 49.5, अब भार इसका दिया है 98.96 और उसको डिवाइड कर दीजिए लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2 के आसपास आएगा, तो जब आपका मोलों की संख्या मिल गई तब अणु सूत्र बराबर ये फार्मूला होता है, मोलों की संख्या गुणे मूलानुपाती सूत्र, मोलों की संख्या अप्रॉक्सीमेटली 2 और 2 से मॉलिक्यूलर इसका मूलानुपाती सूत्र एम्पिरिकल फार्मूला, मूलानुपाती सूत्र में गुणा कर दो, मूलानुपाती सूत्र मिला CH2Cl और 2 से गुणा कर दो C2H4Cl2 मिल जाएगा, स्ट्रक्चर पूछा तो गुणा कर देंगे अदरवाइज मिला के आप छोड़ दें, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरीके से आपको निकालना सिखाया जाएगा, एक एग्जाम्पल स्वरूप ये सवाल था, और भी सवाल आपको करिए बुक से, कहीं दिक्कत होती है याद करिए हमको, हम साफ करेंगे उसको,
तो आप इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करिए। इसके आगे के कुछ टॉपिक अभी आपको इस चैप्टर में बचे हैं, उनको हम बताएंगे। आज के लिए इतना ध्यान दीजिए, धन्यवाद।